नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ और आप देख रहे मोबाइल रिपेयर टिक्स। आपके सामने मोबाइल है मोटोरोला जी पर प्ले, जिसका FRP लॉक लगा हुआ है। आपको इस वीडियो के अंदर मोटोरोला जी पर प्ले का FRP बाईपास करके बताएगी बहुत ही सरल तरीके से। वीडियो में बहुत सारी ऐसी स्टेप है जो अगर मिस हो जाए तो ये मोबाइल का FRP बाईपास करने में बहुत ही तकलीफ पड़ सकती है, और FRP बाईपास भी नहीं होगा जब इस स्टेप को फॉलो करें, ताकि आपको बाद में कोई तकलीफ ना आए। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखें। अभी तक आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और कोई प्यारा सा कमेंट देना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मोबाइल को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है और फिर देख लेते हैं इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे FRP लॉक लगा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बैक में आ जाएंगे, नीचे विजन सेटिंग लिखा हुआ है, इसके अंदर जाएंगे, नीचे टाग बैक लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ से अपने टाग बैक ऑन कर देंगे और टाग बैक ट्यूटोरियल का पेज आ जाएगा। एल ड्रॉ करेंगे, टाग बैक सेटिंग के अंदर चले जाएंगे, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स, इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, लेफ्ट से राइट में स्वाइप करेंगे दो उंगली से। यहाँ पर अपने नीचे जाएंगे और एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और यहाँ से अपने टाग बैक बंद कर देंगे। वापस टाग बैक सेटिंग्स के अंदर आ गए अपने, फिर वैसे ही जाना है, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाना है, राइट साइड में स्वाइप करना है, ऊपर सेटिंग्स होम पे टैप करेंगे तो अपनी मोबाइल की मेन सेटिंग आ जाएगी। ये कुछ इस प्रकार। यहाँ पे अपने को जाना है, ऐप्स के अंदर जाएंगे, सबसे पहले अपने ऐप्स के अंदर जाएंगे, गूगल ऐप में जाना है। गूगल ऐप में जाने के बाद नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के अंदर सेटिंग के आइकन में जाएंगे, फीड लिखा हुआ आएगा, फीड को ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे और ऐसा गूगल का पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे नो थैंक्स करेंगे और यहाँ से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो अपना यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है और क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपने को एक साइट ऐड करनी रहेगी, एड्रोम बाईपास, ये वाली साइट यहाँ से टाइप करके ओपन कर लेंगे। साइट हमारी ओपन हो चुकी है, और साइट के अंदर जाएंगे, साइट के अंदर जाके अपने को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी रहेगी, दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी रहेगी। ओके, फर्स्ट वाली एप्लीकेशन क्विक शॉर्टकट, ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेने की, और दूसरी वाली एप्लीकेशन आएगी अपने FRP एड्रोम बाईपास। FRP एड्रोम APK, ये वाली एप्लीकेशन भी अपने यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। दोनों एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेने की, अभी अपने ऊपर जाएंगे और सेटिंग्स ओपन कर लेंगे। सेटिंग्स में नीचे आ जाएंगे और सिक्योरिटी में चले जाएंगे अपने यहाँ से, और सिक्योरिटी में नीचे जाएंगे और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, तो इसको डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, फिर वापस बैक में आ जाएंगे, अपने वापस एप्लीकेशन वाले पेज पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ से वापस बैक हो जाएगी। अब आपने ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ से ऊपर 3 डॉट पे शो सिस्टम में चले जाएंगे और यहाँ पे सभी एप्लीकेशन दिखाई देगी, तो नीचे जाएंगे, नीचे जाना है,
गूगल प्ले सर्विस आएगी, इसको डिसेबल कर देना है। फिर थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे गूगल अकाउंट मैनेजर, गूगल अकाउंट मैनेजर ये आएगा, इसको भी यहाँ से डिसेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने देखेंगे टोटल कितनी एप्लीकेशन डिसेबल है। देखिए अपन ने जो दो किए और एक ऑलरेडी डिसेबल होती है, ये तीन एप्लीकेशन डिसेबल होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद अपने बैक में आ जाना है। बैक में आ गए तो ऊपर थ्री डॉट में जाएंगे और डाउनलोड में जाएंगे। सबसे पहले FRP बाईपास एड्रम को इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरी वाली एप्लीकेशन आएगी किक शॉर्टकट मेकर, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन नहीं करनी, डन कर देंगे। फिर दूसरी एप्लीकेशन है क्विक शॉर्टकट मेकर, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेनी है। ठीक है, ओपन कर लेंगे। ऊपर सर्चिंग टैब आ रही थी, इसके अंदर अपने को सर्च करने का प्ले स्टोर, यहाँ पे अपने को ढूंढना है प्ले स्टोर, ढूंढना है। प्ले स्टोर आ गया, इसमें जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर और फर्स्ट वाले लिंक पे टैप करेंगे और ट्राई पे जाएंगे। इस प्रकार का पेज आएगा, यहाँ पे ट्राई पे जाएंगे, नहीं हो रहा है। दूसरी वाली लिंक पे जाएंगे, ठीक है, ट्राई पे जैसे ही गए और देखिए अपना गूगल अकाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। देखिए नया गूगल अकाउंट डाल सकते हैं, यहाँ से नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट, मतलब यहाँ से नया गूगल अकाउंट डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अपना एक गूगल अकाउंट डाल देना है। गूगल अकाउंट डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर अपने को पासवर्ड मांगेगा, तो अपने को ये गूगल आईडी का पासवर्ड भी डाल देना है। ठीक है, मैंने गूगल आईडी और पासवर्ड दोनों डाल दिया, नेक्स्ट कर लेंगे। कोई इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को, सीधा बैक में आ जाना है। एड्रम की साइट पे आने के बाद अपने को फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फिर से सिक्योरिटी में जाएंगे। अभी फिर वापस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अभी वापस बैक में आ जाएंगे और फिर वापस उसी प्रकार ऐप के अंदर जाएंगे, ऐप वाले ऑप्शन में। ऐप्स वाले ऑप्शन में जाएंगे ऊपर और अपन ने जो एप्लीकेशन डिसेबल की थी उनको अनेबल कर देंगे। शो सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे नीचे डिसेबल्ड एप्लीकेशन आ गई, इनको अपन जिन भी एप्लीकेशन को डिसेबल की थी अनेबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से दोनों एप्लीकेशन अपने अनेबल हो चुकी है। अभी बैक में आ जाना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, सीधा एकदम बैक में आ जाएंगे। पूरा बैक में आ जाना यहाँ से। वेलकम वाले पेज पे आ गए पूरा बैक में। अभी अपने को यहाँ पे रिस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे अपने कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, अपने मोबाइल रीस्टार्ट नहीं करते हैं तो आगे ये
FRP लॉक टूटता नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स एक बार मोबाइल रिस्टार्ट जरूर कर लेवे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कोई प्यारा सा कमेंट दे दो, लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूले। मोबाइल रीसेट हो चुका है, लेट्स गो पे अपना टैप कर देंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, कॉपी योर डेटा ऐसा लिखा हुआ रहा है, एक्सेप्टेड कंटेंट, यहाँ पे ऊपर वाला गूगल ड्राइव में बैकअप ले लें और एडिट अकाउंट आ गया। देखिए अपना एडिट अकाउंट बताने लग गया यहाँ पे, अपने जो एडिट अकाउंट किया था वो एडिट अकाउंट बताने लग गया, नेक्स्ट कर लेना। ऑल साइड पे टैप कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। देखिए अपना मोबाइल कंप्लीट अनलॉक हो चुका है कुछ इस प्रकार। ठीक है अपना मोबाइल कंप्लीट अनलॉक हो चुका है और अपन ने जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कोई प्यारा सा कमेंट दे दो, लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूले। Thank you, friends.